नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। बाइकों की भिड़ंत में मां बेटे सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत। खबर जालौन से है, जहां रिश्तेदारी में शादी समारोह से वापस घर आ रहे बाइक सवार परिवार के तीन लोगों को सामने से आ रहे बाइक सवार ने भीषण टक्कर मार दी, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे व उसके चाचा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें कि एक नवयुवक बाइक से अपनी मां और मिला व रिश्तेदार चाचा अनंतराम के साथ एक शादी कार्यक्रम में गए थे। तीनों लोग बाइक से शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। औरैया रोड के मड़ोरी मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में उर्मिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जितेंद्र व अनंतराम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस तीनों को सीएचसी ले आई, जहां डॉक्टरों ने उर्मिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि जितेंद्र व अनंतराम की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान जितेंद्र व उसके चाचा अनंतराम की भी मृत्यु हो गई। प्राइम न्यूज 24 के लिए जालौन यूपी से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। सर क्या हादसा हुआ है? ये एक शादी प्रोग्राम से लौट रहे थे, जिसमें इनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। उसमें पीछे से किसी ने टक्कर मारी, जिसमें ये माताई और बेटा दोनों लोग थे। ये दोनों लोग वहाँ इंजर्ड हुए। इसके बाद इनका इलाज होने आया और इनकी जो माँ है उर्मिला, उनका जालौन में वो एक्सपायर हो गई। और इनका जो बेटा है जितिन, वो उरई आया, उरई से इसको रेफर किया गया, ये कानपुर गया। कानपुर में ये भोगनीपुर के आसपास ये भी एक्सपायर हो गया। और इनका जो इनके साथ में तीसरा चाचा है, वो भी वहाँ किसी काम से आया था, तो उसका भी वो एक्सीडेंट के दरमियान में उसको भी चोट आई और उसका पैर फ्रैक्चर हुआ। और वो भी उरई आया, उरई के बाद उसको रेफर किया गया, वो झांसी गया। झांसी नहीं पहुंच पाया वो, जो कि रास्ते में वो भी एक्सपायर हो गया। जिससे एक ही परिवार के ये तीनों लोगों का बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। हम सब लोग बहुत असहनीय, इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अति कष्ट है। टोटल कितने लोगों की? ये तीन लोग हुए हैं। कितने लोगों की मौत हुई है? ये तीन लोगों की मौत हुई है सर। एक्सीडेंट काय में हुआ था, किस चीज से? एक आगे मोटरसाइकिल से पीछे मोटरसाइकिल वाले ने इनके जोर से टक्कर मार दी, जिससे इनके परिवार का भी वहीं खड़ा था तो उसको भी इंजर्ड हुआ। तो ये चूंकि दो लोग माताई और बेटा, ये दोनों लोग बाइक पे थे, तो इनके जब चोट लगी तो इनको तुरंत और आसपास के लोगों ने इकट्ठा होके इनको अस्पताल लेके आए। तो अस्पताल में इनकी माँ की डेथ हो गई वहाँ। और वहाँ से जब इनको रेफर किया गया तो एक ये उरई आए, उरई से इनको कानपुर रेफर किया, ये भोगनी नहीं पहुँच पाया और ये वहाँ एक्सपायर हो गए। और जो तीसरा ये मामा है, वो भी हमारा आया तो उसको भी रेफर किया गया, वो झांसी नहीं पहुँच पाया, वो भी रास्ते में उसकी भी डेथ हो गई। ये तीनों लोग एक्सपायर हो चुके। आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम सब लोग यहाँ पीएम हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और घर में गांव में भी बहुत, पूरा गांव इकट्ठा है, बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। ये बहुत असहनीय घटना है।